दुर्ग निगम आयुक्त ने शिवनाथ नदी स्थित 24 MLD जल शोधन संयंत्र के इंटरवेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी बरसात में पुलगांव नाले में बहकर आने वाली जलकुंभी से इंटरवेल प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्होंने परिवर्तित मार्ग का जायजा भी लिया। दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने शिवनाथ नदी स्थित 24 MLD जल शोधन संयंत्र के इंटरवेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विभागीय अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के पश्चात अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलगांव नाला से बहकर आने वाली जलकुंभी किसी तरह से इंटरवेल को प्रभावित ना करे, इसके लिए परिवर्तित मार्ग लगभग तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लेवे ताकि इंटरवेल से पेयजल की अवरुद्ध गति से आपूर्ति की जा सके। उन्होंने निरीक्षण के पश्चात बताया कि पूर्व में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलगांव नाला से गंदा पानी के साथ जलकुंभी इंटरवेल में बहकर आकर एकत्र हो जाती थी और पानी की सप्लाई बाधित हो जाया करती थी। अब डायवर्सन मार्ग बनाने से इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिलेगा तथा शहर के आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल भी मिल पाएगा। इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है और समय रहते कार्य को पूरा कर लेने की बातें भी उन्होंने कही। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।